ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी बरसात के मौसम में संभावित आपदाओं से राहत व बचाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन हमीर भवन में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक एसपी अजित सेन, सहायक आयुक्त सुनैना शर्मा, सभी उपमंडला अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आगामी बरसात के मौसम में संभावित आपदाओं से राहत व बचाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजन किया गया। हमीर भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अजित सेन, सहायक आयुक्त सुनैना शर्मा सहित सभी उपमंडल अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि बरसात के मौसम में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन आदि घटनाओं से बचाव के लिए जिला में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा मौसम पूर्व अनुमान बारे जारी चेतावनी व परामर्श सभी संबंधितों को तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और विशेष तौर पर नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को समय पर चेतावनी भी जारी की जाएगी ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकायों व पंचायती राज विभाग को आदेश दिए कि वे बरसात से पूर्व नालियां, नालों से बारिश के पानी का निर्बाधा बहाव सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाएं, भूस्खलन के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान कर सड़कों व रास्तों से मलबा हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी व मानव संसाधन समय रहते चिन्हित कर लें। आपात स्थितियों में दवाओं, खाद्य सामग्री सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का समुचित भंडारण सुनिश्चित करें।